अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत इजी सी रेसिपी चिकन कढ़ाई की। देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा और आपका दिल चाह रहा होगा आप खाएं। तो जब भी आपके जो बरीद पे मेहमान आ रहे हैं और वो गोश्त नहीं खा सकते, तो हम खुद को ये कढ़ाई खिलाएं। बहुत मज़े की और बहुत ईजी रेसिपी है। हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने पहले ले लिया चिकन, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं। पहले ले लिया हमने चिकन, इसके साथ हमने ले ली दादर मिर्च और थोड़ा सा नमक और साथ हमने लिया दही। इसको आपने डाल देना है जैसे ये हम मिक्स कर रहे हैं उस तरह से। इसको हम मैरिनेट करेंगे। जैसे आपने पहले हमने वो दोनों डाली हैं, उसके बाद हमने योगर्ट डाल दिया है और इन दोनों को आप अच्छे से जैसे हम मिक्स कर रहे हैं उस तरह चम्मच लेके कर दें। और जब भी आपके घर मेहमान आए उनको फटाफट से बना के खिला। जब आप ये बनाएंगे तो अपने मेहमानों का दिल जीत लेंगे, आपकी वाह वाह हो जाएगी। आपने इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट करना है अच्छे से। जब ये हो जाएगा फिर हमने डाला ऑयल है जितना हम डालते हैं, और फिर हमने इसके अंदर चिकन डाला जो अभी ऑयल में जाके छू छू की पास और दे रहा है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसे रख रहे हैं टेंडर होने के लिए ताकि अच्छे से कुक हो जाए, फिर इसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमने ये कवर कर दिया 15 मिनट के लिए। अब 15 मिनट आएंगे तो बिल्कुल ले जी, ये हो गए 15 मिनट, चुटकियों में ढक्कन खुल गया। ये हो गया मज़ेदार सा चिकन रेडी। अब आप जल्दी से अपने मेहमानों को खिलाइए और मज़े वाह वाह आपकी पूरे घर में। इसकी थोड़ी सी बनाई करें और फिर चुटकियों में आपका चिकन रेडी। और ये इतने मज़े का लग रहा है कि मेरा तो दिल चाह रहा है मैं यहीं से इसको खा लूँ। अब आप रायता बनाएं, सलाद बनाएं, रोटियां लाएं और बहुत मज़े से इसको बैठ के खाएं। ये हो गई चटपट चिकन कढ़ाई तैयार। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत।